हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है सिलाई की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी सिलाई को बहुत ही इजी बना देंगे। तो फर्स्ट ट्रिक ये है, सबसे पहले मैंने एक ये 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और इसको हम सीधे किस तरह से साथ के साथ हम इसको सीधा करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाना है और थोड़ी सी सिलाई करने के बाद इस तरह से इसको अंदर की साइड में हमें निकाल लेना है। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको अंदर की साइड में वापस निकाल लिया और बिल्कुल किनारे की साइड में हमें इसे सिलाई लगाना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगाया है और एक बार ये जैसे इसको अंदर की साइड में निकाल लेने के बाद, यानी हम बोल सकते हैं जैसे उल्टी साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं और ये सीधी होते हुए चली जाएगी, इसको अंदर की साइड में निकालेंगे तो इस तरह से हमें एक हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से खिसकाते हुए और सिलाई लगाते हुए चलना है। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई भी लगते हुए जाएगी और ये सीधी भी हो जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रिप जैसे मैंने थोड़ी पतली ली है, अगर आप इस तरह से जैसे कुछ मोटी स्ट्रिप होती हैं वो इजीली इस तरह से सीधी हो जाती हैं। तो होता क्या है, मेरा कहने का मतलब मोटो यही है, आप इस तरह से इसको साथ के साथ सीधा करते हुए सिल सकते हैं इस तरह की स्ट्रिप को। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैंने इसको सीधा किया है और ये लास्ट सिलाई करने के बाद इसको हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। ये लास्ट में थोड़ी सी सिलाई धागा टूट गया था तो वो एंड में रह गई, बाकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है और ये हमारे साथ के साथ सीधी हो गई। और सेकंड ट्रिक ये है फ्रेंड्स, जैसे हम बिल्कुल बारीक प्लेट डालते हैं तो उसमें बहुत ही मुश्किल होता है बारीक प्लेट डालने में, तो आप इस तरह से जो बड़ी वाली सुई यानी निडल होती है उससे आप इस तरह से प्लेट्स बना सकते हैं। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बड़ी वाली जो निडल है उससे मैंने ये बारीक प्लेट्स बनाई हैं। सारी प्लेट्स एक समान आएंगी और एक जैसी आएंगी। अगर आपको बारीक प्लेट्स डालनी है तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं किसी भी बाजू पे या कहीं भी फ्रॉक वगैरह, या कोई अगर आप गाउन सिल रहे हैं तो उसमें इस तरह से बारीक प्लेट्स बना सकते हैं सुई की मदद से। और अगली टिप्स फ्रेंड्स ये है, जैसे ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, नॉर्मल फैब्रिक है मेरा ये, और जो ये हमारा ये सिलाई मशीन है इसके जो ये वाला हिस्सा है इस पे हमें एक ये फैब्रिक जो सुई यानी क्लॉथ सुई आती है उसको हमें इसके अंदर लगाना है और फिर हमें क्या करना है, सिलाई लगा देना है। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम बहुत ही बारीक प्लेट्स डालते हैं जो हम सुई से भी नहीं डाल सकते, उससे भी बारीक वाली जो प्लेट्स होती हैं वो इससे हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमें कई बार क्या होता है बहुत बारीक प्लेट्स डालनी होती हैं, ये आपको मैं थोड़ा सा इस साइड करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक जो सिलाई होती हैं जैसे लास्टिक जैसे लगती हैं, जैसे हमने अंदर से लास्टिक लगाने के बाद जो प्लेट्स बनती हैं उस तरह की बनेंगी। इसके बाद मैं आपको एक और सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अगर इस तरह आप जैसे चार पांच सिलाई लगा के भी जैसे उसकी फिनिशिंग ऐसे दिखेगी जैसे हमने अंदर की साइड में कोई लास्टिक लगाया हो, इस तरह की उसकी डिज़ाइन भी बन जाएगी, तो आप इस तरह की कोई बाजू में डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा के। तो ये मैंने दूसरी सिलाई लगाई है, तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये सिलाई आई है। इस तरह से आप कई सिलाई लगा के इस तरह की आप बाजू में भी डिज़ाइन डाल सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इस तरह प्लेट्स भी बना सकते हैं बारीक वाले। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।